इस चैप्टर में ऑसिलेशंस में या SHM का फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम कितने टाइप की मोशंस को पढ़ेंगे और क्या क्या टाइप ऑफ मोशंस हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या है ऑसिलेशंस के अंदर। पहला जो स्टार्ट है वो किस डेफिनेशन से स्टार्ट है, पीरियोडिक मोशन। अगर कोई भी प्रोसेस या कोई भी मान लो मोशन रिपीट करती है अपने आप को आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक पेंडुलम है, पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ, ए से बी गया, बी से ए आया, टाइम टेकन 2 सेकेंड, फिर गया और वापस आया, टाइम टेकन 2 सेकेंड, फिर गया वापस आया, टाइम टेकन 2 सेकेंड, तो इट इज अ पीरियोडिक मोशन। जैसे अगर मैं यहां से चलता हूं, इस दीवार को टच करके वापस आके, इस दीवार को टच करके वापस आता हूं, मेरे एक चक्कर पूरा हो गया, फिर मैं जाता हूं, फिर वापस आके यहां से वहां आता हूं, वापस आ जाता हूं, टाइम टेकन अगेन 2 सेकेंड, मान लो हर चक्कर को 2 सेकंड में पूरा कर रहा हूं, तो मेरी मोशन भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है यहां तक? तो पीरियोडिक मोशन जो अपने आप को रिपीट करती है आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपकी बॉडी एक सर्कल में मूव करती है, एक चक्कर 2 सेकंड में, दूसरा चक्कर 2 सेकंड में, तीसरा चक्कर 2 सेकंड में, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। तो चौथा चक्कर 2 सेकंड में, पांचवा चक्कर 2 सेकंड में, 100th चक्कर और 2 सेकंड में, क्योंकि पीरियोडिक मोशन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मोशन एक चक्कर मान लो 2 सेकंड में, दूसरा चक्कर मान लो 1 घंटे में, तीसरा चक्कर मान लो 3 मिनट में, तो चौथा चक्कर कितने में, हमें मुझे नहीं पता कितने में। तो हम नॉन पीरियोडिक मोशंस को स्टडी कर ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं क्या होगा। तो इसलिए हम किसको स्टडी करते हैं, मैथमेटिकली पीरियोडिक मोशंस को, जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है मैथमेटिकल फॉर्मूला से, और बता सकते हैं कि आफ्टर 1 घंटा 15 मिनट 7 सेकंड पे गोल गोल घूमती हुई बॉडी कहां मिलेगी, मैं बता सकता हूं अगर वो पीरियोडिक मोशन में हो। तो पीरियोडिक मोशन क्लियर है कि मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन में थोड़ा सा अंतर है, हालांकि यहां पर सेम लिखा हुआ है पीरियोडिक एंड हार्मोनिक। हार्मोनिक मोशंस पीरियोडिक होती हैं, कोई शक नहीं इसमें, हार्मोनिक भी पीरियोडिक होती हैं। हार्मोनिक मोशंस क्या होती हैं, इसको करने से पहले एग्जांपल, मोशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली 235 दिन के आसपास लेता है, कोई कहता है 265 भी लेता है, जितना भी है फिक्स टाइम पीरियड है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब पीरियोडिक मोशन में ये जरूरी नहीं है कि बॉडी ए से बी, बी से ए आई, सर्कल में घूमना इज अ पीरियोडिक मोशन। लेकिन ऑसिलेशन में क्या होता है, दो अलग अलग पोजिशन चाहिए, जैसे पेंडुलम की मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम, तो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, दो अलग अलग पोजीशन में कोई बॉडी घूमती है इज एन ऑसिलेटरी मोशन। अब अगर मान लो एक पेंडुलम इस एक्सट्रीम से चला, मीन से होता हुआ एक्सट्रीम से होता हुआ वापस आ गया, टाइम टेकन 2 सेकेंड, फिर गया और वापस आया, टाइम टेकन 2 सेकेंड, तो ये पीरियोडिक मोशन तो है ही, साथ में ऑसिलेटरी मोशन भी है, क्योंकि ये दो पोजिशन के बीच में बॉडी मूव कर रही है। तो समझ में आ रहा है? तो अगर कोई बॉडी दो पोजिशन के बीच में मूव करती है इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या पीरियोडिक होगी? नहीं, जरूरी नहीं है।
एक बॉडी यहां से चली, पेंडुलम चला, चक्कर काट के आया 2 सेकेंड, अगला चक्कर काट के आया 3 सेकेंड, अगला चक्कर 6 घंटे। तो जरूरी नहीं पीरियोडिक होगी, ऑसिलेटरी तो है, पर हम ऐसी मोशंस को स्टडी करते ही नहीं है जो नॉन पीरियोडिक है, हम किसे स्टडी करते हैं जो पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक मोशन को स्टडी करते हैं, तो इसलिए ऑसिलेटरी मोशन जो हम स्टडी करेंगे वो पीरियोडिक होगी। तो दो पोजीशन के बीच में अगर कोई बॉडी मूव करे इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यहां तक डिफरेंस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल्स हैं स्विंग मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का मूव करना इज एन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग, तो अगर आप ऐसा करें एक स्प्रिंग लें, नीचे मास लगाएं और आप इसे रिलीज कर दें, तो ये मास पहले यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर ऊपर नीचे मूव करता है। तो ऐसे केस में दो पोजीशन के बीच में इसकी मूवमेंट है इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। मैंने क्या बताया कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में क्या फर्क है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज अ पीरियोडिक। नहीं देखो, हम ये मान रहे हैं पीरियोडिक है, जरूरी भी नहीं होगा वैसे। दो पॉइंट्स के बीच में मूव करना पीरियोडिक होगा क्योंकि हम स्टडी ही पीरियोडिक करते हैं, पर सारी पीरियोडिक ऑसिलेटरी होगी ये जरूरी नहीं है। अर्थ घूम रही है सन के आसपास, कौन सी ऑसिलेशंस हैं? कोई ऑसिलेशंस नहीं है, वो तो रोटेट कर रही है, उसकी कोई दो पोजीशन थोड़ी है जिसके बीच में मूव करती है। वो तो सर्कल में, एलिप्स में मूव कर रही है, तो पीरियोडिक तो है पर वो ऑसिलेटरी नहीं है। पर इस चैप्टर में अगर कोई मोशन ऑसिलेटरी है तो हम उसको मानते हैं वो पीरियोडिक तो होगी होगी, क्योंकि हम नॉन पीरियोडिक को स्टडी करते नहीं है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है पीरियोडिक, हार्मोनिक, नॉन हार्मोनिक मोशंस क्या होती हैं। ये ना हार्मोनिक क्या चीज है, पॉइंट तो ये है, पीरियोडिक समझ में आता है, हार्मोनिक वर्ड बीच में कैसे आ रहा है। कोई भी मोशन के अंदर, कोई भी मोशन को अगर हम साइन या कॉस के फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकें तो वो हार्मोनिक मोशंस हैं। जैसे मेडिकल वालों के लिए स्पेशली, अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो ये समझ ले मेडिकल के लोग कि थीटा केवल अगर जीरो है तो साइन जीरो तो जीरो है। आप थीटा इंक्रीज करते जाएं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो y की वैल्यू बढ़ेगी और 1 हो जाएगी। तो जीरो से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप एंगल 90 से ज्यादा लेके जाएं तो आपकी ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होते 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 वापस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एंगल बढ़ाएं तो ये -0.1 से होती होती कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और एंगल बढ़ाएं करते करते वापस ही हो जाएगी। तो यानी कि आपकी साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। आप दुनिया का कोई एंगल पुट कर ले इसमें, आपकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। आप अगर एंगल बढ़ाते जा रहे हैं जीरो से लेके, तो ये वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती हुई 1 से स्टार्ट होती हुई -1 से स्टार्ट होती हुई वापस जीरो आएगी आएगी। तो मैथ्स में साइन थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऐसे बोला जाता है, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ या साइन थीटा अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। सिमिलरली मैथ्स में यह भी बोला जाता है कॉस थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन। कॉस थीटा भी सेम बिहेवियर शो करता है, अपनी वैल्यूज को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। तो पीरियोडिक मोशन तो हमें पता ही है। पीरियोडिक फंक्शंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन या कॉस, अंडरलाइन करें, जिस भी मैथमेटिकल फॉर्मूला में साइन या कॉस आ जाए उसको हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं। अंडरलाइन कर लें साइन और कॉस को और हार्मोनिक वर्ड को। मतलब अगर आपने किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में साइन देख लिया या कॉस देख लिया, दोनों में से कोई भी देख लिया, तो बोल देना कि ये तो पक्का हार्मोनिक है ही है। हार्मोनिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं क्योंकि बीच में साइन कॉस आ रहे हैं। मैथ्स में साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन माने जाते हैं और पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो हार्मोनिक फंक्शंस और पीरियोडिक फंक्शंस कई लोग कहते हैं एक ही बात है, नहीं एक बात नहीं है। सारी मोशन साइन कॉस में नहीं रिप्रेजेंट की जाती। मेरा चलना इधर से उधर वापस आना इज नॉट अ साइन या कॉस। तो उस केस में अगर कोई फॉर्मूला साइन कॉस का नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो पीरियोडिक नहीं होगा, पीरियोडिक फिर भी हो सकता है वो। लेकिन अगर कोई साइन कॉस में है तो वो तो पक्का पीरियोडिक होगा ही होगा और वो साथ में हार्मोनिक भी होगा। तो हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन है जिसके अंदर क्या दिखेगा आपको, साइन या कॉस दिखेगा। तो हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक है, हर हालत में है ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है
ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, सारे हार्मोनिक फंक्शंस पीरियोडिक तो है ही है, क्योंकि हार्मोनिक के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, साइन या कॉस, और जहां साइन या कॉस है, साइन कॉस अपनी वैल्यूज को रिपीट तो करेगा ही करेगा, तो पीरियोडिक तो है ही है, लेकिन सारी पीरियोडिक हार्मोनिक होंगी नहीं, ये जरूरी नहीं। कोई बड़ी सर्कल में घूम रही है वो हार्मोनिक नहीं है भाई, वो साइन कॉस रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, हार्मोनिक तो पीरियोडिक है पर पीरियोडिक सारी हार्मोनिक हो ये जरूरी नहीं है, ठीक, जरूरी नहीं है ना हर चीज में साइन कॉस आएगा ही आएगा। पीरियोडिक फंक्शन विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल साइन या कॉस फंक्शन आर कॉल्ड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। वो कह रहा है जी अगर कोई सिंगल साइन कॉस में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, सिंगल साइन कॉस समझते हो, जैसे वाई इक्वल टू साइन थीटा ए सिंगल साइन है, वाई इक्वल टू कॉस थीटा सिर्फ कॉस थीटा, ये हार्मोनिक है, पर अगर आपको वाई इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा ना ना, ये पीरियोडिक नहीं है, टैन थीटा मैथ में पीरियोडिक नहीं होता, तो ये पीरियोडिक नहीं है। तो दो वो फंक्शन अगर मान लो मिक्स होके यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं होगा कि पीरियोडिक होगा, पर अकेला साइन और अकेला कॉस तो पक्का हार्मोनिक होगा ही होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये ग्राफ है, मेडिकल के लोग समझ लें, जब ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, ये एक पूरी वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म रिपीट हो रही है जीरो से लेके, ये पूरी एक वेव फॉर्म है, दूसरी वेव फॉर्म एंड सो ऑन। तो इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि अगर ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये साइन थीटा का कर्व है, और अगर ये वन से स्टार्ट हो रहा है तो ये कॉस थीटा का कर्व है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो पे साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है। थीटा इज इक्वल टू जीरो पे कॉस जीरो क्या होता है वन, तो ये वन से स्टार्ट होता है। तो मेडिकल के लोग याद रख लें ये साइन का कर्व है और ये कॉस का कर्व है, ठीक हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये पीरियोडिक है? है पीरियोडिक, क्यों पीरियोडिक है, क्योंकि ये वेव फॉर्म आफ्टर कैपिटल टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या कॉस थीटा पीरियोडिक है? बिल्कुल, ये वेव फॉर्म क्या होती जा रही है, एक जैसी बनती जा रही है, ये भी पीरियोडिक है। क्या ये हार्मोनिक है? हाँ, क्योंकि किसका ग्राफ है, साइन थीटा, साइन तो सुनते ही बोल देना हाँ जी हार्मोनिक है। तो क्या ये हार्मोनिक है? हाँ हार्मोनिक है, क्योंकि किसका कर्व है, ये कॉस थीटा का, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, क्या ये हार्मोनिक है? अच्छा, क्या ये पीरियोडिक है? पीरियोडिक है, क्योंकि कैपिटल टी के बाद रिपीट हो रहा है। क्या ये हार्मोनिक है? हार्मोनिक का मतलब अंदर साइन या कॉस का कर्व बनना चाहिए, ना तो ये साइन थीटा का ना ये कॉस थीटा, तो ये हार्मोनिक नहीं है पर ये पीरियोडिक तो है, सही है यहां तक। क्या ये पीरियोडिक है? हाँ ये पीरियोडिक है, रिपीट बिल्कुल सेम सिमेट्री बन रही है, ये पीरियोडिक है, पर क्या ये हार्मोनिक है? ना, साइन कॉस थीटा का कर्व है ये, कोई क्या साइन थीटा का कर्व है, क्या कॉस थीटा का कर्व है, अगर नहीं है ना तो नॉन हार्मोनिक है। स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी हार्मोनिक हो नहीं सकते, साइन कॉस का कर्व ही हार्मोनिक है, बाकी सब नॉन हार्मोनिक है। क्या ये पीरियोडिक है? है, रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या ये हार्मोनिक है? नहीं, साइन थीटा जैसा लगता है पर बीच में टूटा हुआ है, स्मूथ होता है साइन थीटा, तो ये हार्मोनिक नहीं है पर ये पीरियोडिक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जहां आपने साइन कॉस देख लिया वो तो हार्मोनिक है, जहां साइन कॉस नहीं है तो फिर वो पीरियोडिक तो हो सकता है पर वो हार्मोनिक नहीं होगा कम से कम। तो डिफरेंस समझ में आ गया हार्मोनिक और पीरियोडिक में। जैसे न्यूमेरिकल मान लो, ये क्या पीरियोडिक है? जिनमें साइन कॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो वो 100% पीरियोडिक हैं। क्या ये हार्मोनिक है? 100% हार्मोनिक है, वैसे बोलना नहीं है इसने, पीरियोडिक ही पूछा है, वैसे साइन कॉस दिख ही रहे वैसे इसको, तो क्या ये पीरियोडिक है? सॉल्व भी करने की जरूरत ही नहीं है, साइन कॉस अगर दिख जाए तो पक्का पीरियोडिक है, प्लस माइनस में डिवीजन में नहीं, डिवीजन में टेन आ सकता है, ठीक हो गया। तो सॉल्व नहीं करना, सीधे ही बोल देना हाँ जी पीरियोडिक है। क्या ये पीरियोडिक है? एंगल को नहीं देखना, अंदर एंगल जो मर्जी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो ये किसका बना हुआ है? साइन एंड कॉस का, तो ये पीरियोडिक है, ये बिल्कुल पीरियोडिक है, ठीक है यहां तक। क्या ये पीरियोडिक है? नहीं यार, एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल मैथ में प्लस टू में करेंगे, एक बार जब शुरू होगा तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज वन बाई इन्फिनिटी, दैट इज जीरो, जीरो हो गया, खत्म ही हो गया, फिर पीरियोडिक कहाँ से हो गया? तो ये बार बार रिपीट नहीं करेगा, नॉन पीरियोडिक है। क्या ये पीरियोडिक है? मतलब ही नहीं है, मोटी मोटी बात बताऊँ, साइन कॉस पीरियोडिक है, बाकी नॉन पीरियोडिक ही है। एक्सपोनेंशियल कर्व कभी पीरियोडिक नहीं होता, लॉ का कर्व अगर आप ड्रॉ करोगे कभी पीरियोडिक नहीं होता, बात ही खत्म है।
तो मोटा मोटा क्या बताया, साइन कॉस जहां पर है वो पीरियोडिक है। आपको बहुत मुश्किल आती भी नहीं है, साइन कॉस पता होना चाहिए बस।